पाकिस्तान की बदहाल छवि अब उसी को नुकसान पहुंचाने लगी है। बड़े बड़े देश अब पाकिस्तान से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम देश पाकिस्तान की यात्रा करने पर अपने नागरिकों पर पाबंदी लगा रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से बचने को कहा। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने पर विचार करने की अपील की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि पाकिस्तान चुनाव के दिन 8 फरवरी को मतदान केंद्रों के आसपास के इलाकों में भीड़भाड़ हो सकती है और अमेरिकी नागरिकों को वहां जाने से बचना चाहिए। पाकिस्तान में राजनीतिक दल सक्रियता से चुनाव प्रचार कर रहे, जैसे कि मार्च निकाल है और रैलियां कर रहे। इस वजह से कार्यक्रमों से यातायात अवरुद्ध हो सकता है, परिवहन बाधित हो सकता है और मुक्त आवागमन एवं सुरक्षा में व्यवधान पड़ सकता है। पाकिस्तान में राजनीतिक गतिविधियों को हिंसा के लिए निशाना बनाने के कुछ उदाहरण भी देखने को मिले हैं। इस हफ्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में राजनीतिक दलों पर चुनाव से पहले कई हमले हुए हैं। मतदान से पहले और मतदान के दिन इंटरनेट एवं मोबाइल सेवाएं बाधित हो सकती है। इसमें बड़ी सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों से बचने, अगर कोई अप्रत्याशित रूप से खुद को बड़ी सभा या प्रदर्शन के आसपास पाता है तो सावधानी बरतने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने जैसी सिफारिशें भी प्रदान की गई है। दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों से स्थायी मीडिया पर नजर रखने और अपने पहचान दस्तावेज साथ रखने और पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। तो ये ठहरी एडवाइजरी जो पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकों को दी गई है, और अमेरिका को ये अच्छे से पता है कि पाकिस्तान को अब आतंकी अपनी जमीन मान चुके हैं और यही वजह है कि अब अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। वैसे अमेरिका की ये एडवाइजरी तब सामने आई जब कल पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बड़ा बम धमाका हुआ। पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किम अनुसार घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। विस्फोट की तीव्रता और प्रगति का आकलन करने के लिए बम निरोधक दस्ते को घटना स्थल पर बुलाया गया है। ARY न्यूज ने पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया कि SSP साजिद ने कहा, विस्फोटक सामग्री कराची के रेड जोन क्षेत्र में ECP कार्यालय की दीवार के पास एक शॉपिंग बैग में रखी थी। विस्फोटक सामग्री में बॉल बेयरिंग नहीं पाए गए। बम निरोधक दस्ते यानी BDS ने एक रिपोर्ट जारी कर संकेत दिया कि ECP कार्यालय की दीवार के पास एक देसी बम धमाका हुआ। बम में लगभग 400 ग्राम विस्फोटक का उपयोग किया गया था। रिपोर्ट में विस्फोट स्थल पर एक टाइम डिवाइस और 12 वोल्ट की बैटरी मिलने का जिक्र किया गया है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका की इस एडवाइजरी से साफ है कि पाकिस्तान में आतंकियों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कट्टरवादियों की संख्या कितनी बढ़ गई है और लगातार हो रहे बम विस्फोटों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। देखना तो ये होगा कि अमेरिका के बाद और कौन सा दूसरा देश होगा जो अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान में एडवाइजरी जारी कर सकता है। अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।